So in the previous videos we have learned A to O, how to write A to O alphabets, right? So I hope आप लोगों ने practice भी कर लिया होगा. So today we are going to revise how to write A to O. Okay? So let's start. चलो. सबसे पहले alphabets में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आज हम order में लिखेंगे A to O, right? So shall we start? Let's start. A, A for apple. A कैसे लिखते हैं? एक ऐसी slanting line बनाते हैं, one more slanting line and then sleeping line, right? तो ये बन गया हमारा A, A for apple. फिर हम लिखेंगे B. तो B लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will make a standing line. Then we will make a curve line. एक छोटा सा कर्व बनाएंगे और उसके नीचे एक और कर्व बना देंगे. तो ये बन गया हमारा B, B for ball. अभी हम लिखेंगे C, है ना? तो C तो एक कर्व ही है पूरा. Yes, उसमें कोई स्टैंडिंग या स्लीपिंग लाइन नहीं होती है. टॉप लाइन से लेके ऐसे करके ये कर्व लाइन कर देते हैं थर्ड लाइन तक, राइट? तो ये बन गया C. C के बाद हम लिखेंगे D for dog. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, राइट? फिर हम बनाएंगे कर्व लाइन ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन तक. कहां से बनाएंगे? ऊपर से नीचे तक. ऊपर की लाइन से करेंगे स्टार्ट और नीचे की लाइन तक जॉइन करेंगे, राइट? ये स्टैंडिंग लाइन के टॉप लाइन, टॉप पार्ट और बॉटम, वहां पे जॉइन कर देंगे कर्व लाइन को. अभी हम लिखेंगे E, E for elephant. उस तो एकदम इजी है. स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, मिडल में एक स्लीपिंग लाइन और बॉटम में एक स्लीपिंग लाइन. ये बन गया हमारा E for elephant. अभी क्या आएगा? A, B, C, D, E. अभी क्या आएगा? F, F for fish. कैसे बनाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, बीच में एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे. ये बन गया हमारा F. F के बाद क्या आएगा? E, F. अभी क्या आएगा? G. Yes. कैसे बनाएंगे? उसमें हम सबसे पहले ऐसे C लिखेंगे, राइट? कैसे लिखेंगे? ऐसे कर्व करके C लिख देंगे. फिर यहां से ऊपर की लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन जैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन. फिर बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, राइट? और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन. तो ये बन गया G. G के बाद क्या आता है? H. E, F, G, H. अभी क्या आएगा? H. H बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन. ये बन गया हमारा H for horse. क्या बन गया? H for horse. अभी क्या आएगा? F, G, H. अभी क्या आएगा? I. I for ice cream. उसमें क्या करेंगे? ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे भी एक स्लीपिंग लाइन, है ना? ये बन गया हमारा I, I for ice cream. तो ये क्या आएगा अभी? E, F, G, H, I, J. J कैसे लिखेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन करते करते ऐसे नीचे से टर्न कर देंगे लाइन को. तो ये बन गया हमारा J. क्या बन गया? J. अभी क्या आएगा? K, K for kite. कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसको ही जोड़ के दूसरी स्लैंटिंग लाइन जो कि थर्ड लाइन का एंड होगी. तो ये बन गया K. K के बाद क्या आता है? L. L for lion. कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन. ये बन गया हमारा L for lion. अभी क्या आएगा?
K L अभी M for monkey. कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन, फिर यही स्टैंडिंग लाइन के टॉप पार्ट से लेके एक स्लैंटिंग लाइन, फिर यही स्लैंटिंग लाइन से ऊपर तक एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया M. M for monkey. अभी क्या आएगा? N. N for nose. कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, और यही स्लैंटिंग लाइन से ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे. तो बन गया N. N for nose. अभी क्या आएगा? K, L, M, N. अभी आएगा O. O for orange. कैसे स्टार्ट करेंगे? ऊपर की लाइन से कर्व, टर्न करते करते ऊपर. तो ये क्या हो गया? O. O for orange. So children, आज हमने रिवीजन किया how to write A to O. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अल्फाबेट सीखने वाले हैं. सो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना. सो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन. टिल देन.